आज हम जो है बीएससी सेकेंड ईयर में पॉलीहाइड्रोक्सी फिनॉल के बारे में बताएंगे। फिनॉल के बारे में आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, फिनॉल के बारे में पूरा डिटेल है, वीडियोस भी हैं, लेकिन हम बताएंगे पॉलीहाइड्रिक फिनॉल, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी भी कह सकते हैं, जहां पर एक से ज्यादा OH होते हैं उसे हम पॉलीहाइड्रोक्सी भी कहते हैं या पॉलीहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। हाइड्रिक का मतलब यहाँ OH ग्रुप से है, तो फिनॉल तो आप जानते हैं, फिनॉल के साथ में और OH लगे होंगे तो पॉलीहाइड्रिक फिनॉल बोलेंगे। इसमें कौन कौन से आते हैं? पहला इसमें है कैटकॉल, दूसरा है रिसॉर्सनॉल और एक और होता है जिसका नाम है आपका हाइड्रोफिनॉल। ये तीन है आपके सिलेबस में। पहला कौन सा है? इसे हम कैटकॉल कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा रिसॉर्सनॉल है, ठीक है। और तीसरा बच्चों देखो, एक हमारा तीसरा और होता है हाइड्रोफिनॉल, ठीक है। तो ये हमारे तीन है, कौन कौन से है नाम बताएंगे। सबसे पहले कौन सा है? CATECHOL कैटकॉल। दूसरा कौन सा है? रिसॉर्सिनॉल होता है। और थर्ड हमारा क्या है बेटा? हाइड्रोक्विनोन होता है। ये तीन आपके पॉलीहाइड्रिक फिनॉल है। इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है, कैटकॉल, रिसॉर्सिनॉल, हाइड्रोक्विनोन। ओके, आप समझिए ध्यान से, फिनॉल के बारे में पता है ये फार्मूला होता है फिनॉल का, ठीक है। जब दो या दो से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे होते हैं डायरेक्टली बेंजीन से, तो उसे हम पॉलीहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। जैसे पहला है कैटकॉल, कैसे बनाएंगे? कैटकॉल आर्थो पे लगाएंगे हाइड्रोक्सी। अगर मेटा पे लगाते हैं तो रिसॉर्सिनॉल होता, पैरा पे लगाते हैं तो हाइड्रोक्विनोन होता। तो क्रिया करने का तरीका क्या है? कैटकॉल आर्थो, मेटा और पैरा। अगर OH ग्रुप तुमने लगा दिया आर्थो पे, ठीक है, मेटा पर, ये पैरा पर, नाम चेंज हो जाएगा। देखिए इसका नाम क्या है, आपको जानते हो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, तो 2-hydroxy बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ये सल्फोनिक एसिड हो गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका NH के साथ रिएक्शन कराएंगे, इसका एक मॉलिक्यूल NH का इससे रिएक्शन करेगा, H+ OH निकल जाएगा, सोडियम साल्ट बनेगा, फिर NH से रिएक्शन कराएंगे तो Na2SO3 निकलेगा, तो दो मॉलिक्यूल चाहिए तब यहाँ पर OH आएगा। आ गया OH हमारा यहाँ, ये बन गया कैटकॉल, कितना इजी है। और कैटकॉल का मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, 104 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है, पानी में घुल जाता है, सॉलिड वाटर। हाँ, FeCl3 के साथ ये रिएक्शन करेगा तो ये लिगेंड का काम करेगा, Fe+3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेगा, उसका एक कलर होगा ग्रीन कलर, समझ में आ गया। तो ये ग्रीन कलर देता है, FeCl3 डाल देंगे इक्वल सॉल्यूशन के साथ, पानी में उसको घोलेंगे, FeCl3 डालेंगे, ग्रीन कलर बनेगा, कॉम्प्लेक्सेशन हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया वहां पर। वहां पर ये लिगेंड का काम करेगा, सेंटर मेटल को घेर लेगा, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, फिर ग्रीन कलर बन गया। जैसे इसमें बेस डालेंगे एल्कली तो कलर चेंज हो जाएगा, वायलेट कलर आ जाएगा। दूसरी बात, जहां OH लगे हैं ये वाले, एक्चुअली क्या है, ये H+ निकल सकता है, क्विनोन बन सकता है, इस चक्कर में इसका ऑक्सीडेशन आसानी से किया जा सकता है। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो होते हैं, टॉलरेंस रीजन, फेलिंग सॉल्यूशन। ये टॉलरेंस रीजन का रिप्रेजेंटेटिव है सिल्वर ऑक्साइड और फेलिंग सॉल्यूशन का क्विक्रिक ऑक्साइड। ये क्या करते थे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दोनों की दोनों इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो H हट जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्विनोन बन जाएगा, आर्थोक्विनोन बन जाएगा। तो अब यहां पर H हट रहा है तो ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन। तो ये टॉलरेंस रीजन और फेलिंग सॉल्यूशन दोनों को रिड्यूस कर रही है, देखो +1 से 0 और +2 से +1। और ये जो देखो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, क्या बन गया, आर्थो बेंजोक्विनोन। कुछ लोग इसे कहते हैं आर्थोक्विनोन, या क्या कह सकते हो आर्थो बेंजोक्विनोन, एक ही बात है, बेंजोक्विनोन के तो आर्थो आर्थो बन गया, या इसे कह सकते हैं आर्थोक्विनोन, ठीक है। इस तरीके से ये बन गया हमारा, कलर आ गया रेड, कलर गहरा क्यों हुआ, एक्सटेंडेड कंजुगेशन। कंजुगेशन बढ़ने से पहले क्या था, डबल सिंगल था, अब की बार डबल सिंगल कंजुगेशन बढ़ा, और कंजुगेशन बढ़ने से कलर में गहराई बढ़ती है। ये बात पढ़ाई जाएगी डाई में, तो ये कलर एंड डाई ये सब बीएससी थर्ड ईयर में है, तो कलर में या गहरापन आगे कंजुगेशन बढ़ गया, या आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे इसके बारे में। कलर क्रोमोफोर की वजह से आता है और एक्सोक्रोम की वजह से आता है, ये सब आप पढ़ाया जाएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो इसमें क्या होता है, इतना समझ में आ गया, आर्थो बेंजोक्विनोन बन गया। नेक्स्ट है तुम्हारा रिसोर्स बॉन्ड कैसे बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे, SO3 एक SO3 को हटा के OH लाने के लिए 2 NH चाहिए, तो 2 SO3 बनाने के लिए 4 चाहिए। तो इस तरीके से ये देखिए 1,3-डाई सल्फोनिक एसिड है, बेंजीन 1
थ्री डाई सल्फोनिक एसिड दोनों ये हट गए, दोनों वेस्ट बन गए, ये रिसोर्स मॉल बन गया। और रिसोर्स मॉल का बिल्डिंग पॉइंट कितना होता है 110 डिग्री सेल्सियस। पानी में क्या होगा, घुलेगा। जब पानी में घुल जाएगा और ये एफिशिएंसी के साथ ये बॉयलर कलर देता है और ये टॉलरेंस रिएजेंट फैलिंग सॉल्यूशन दोनों को रिड्यूस करके क्या बनाना चाहिए, काइजिन ये बनाना चाहिए, लेकिन ये नहीं बनता। रिसोर्स मॉल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, क्यों नहीं होता, उसके रीजंस हैं। इसका ऑक्सीडेशन करा के डबल बॉन्ड लगा दो यहां पर तो यहां कंजुगेशन नहीं होगा, डबल सिंगल सिंगल डबल तो प्रॉब्लम आती है, अनस्टेबल कंपाउंड होगा। तो कई बुक्स में ये लिखा हुआ है तो वो गलत लिखा है, अगर वहां दिमाग लगाओगे तो वहां लिखना चाहिए था कायदे में अनस्टेबल है, क्यों, डबल सिंगल सिंगल है, कंजुगेशन नहीं। और जहां कंजुगेशन प्रॉपर होता है वहां रेजोनेंस प्रॉपर होता है, कई स्ट्रक्चर्स बनती है कैनोनिकल, वहां स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो इसलिए मैं इसको प्रीफर नहीं करता हूं, इसे बनाया जाए, ठीक है। तो इसका रिसोर्स मॉल का ऑक्सीडेशन करना आसान नहीं, हाँ ये इसको रिड्यूस जरूर कर देगा, समझ में आ गया। हाँ ऑक्सीडेशन होगा लेकिन वो अनस्टेबल होगा। नेक्स्ट है, इसका इस्तेमाल हम एंटीसेप्टिक के रूप में भी करते हैं, ठीक है, और फोटोग्राफिक डेवलपर के रूप में इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देखो जो टॉलरेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे वो फोटोग्राफिक डेवलपर के काम में भी आता है, तो ये सब के सब फोटोग्राफिक डेवलपर के रूप में भी काम है। नेक्स्ट बचा लास्ट वाला आपका आ गया हाइड्रोक्विनोन। अगर हाइड्रोक्विनोन की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोक्विनोन को हम दूसरा नाम है क्विनोन, क्या नाम है इसका, क्विनोन, नॉन नॉन माने दो वेज लगे, तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्विनोन। और हाइड्रोक्विनोन बनता है पैरा बेंजो क्विनोन से, ये पैरा क्विनोन बोलो या पैरा बेंजो क्विनोन बोलो, ठीक, बेंजो माने ये, तो पैरा बेंजो क्विनोन है, ये हमारा येलो कलर का होगा, ठीक है। इसमें अगर हम रिसेंट हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या सल्फ्यूरस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं रिसेंट हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल सी बात, यहाँ एच लग जाएगा, ये बन जाएगा हाइड्रोक्विनोन। तो पैराबेन वो इस लगा होता है तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोक्विनोन। ये कलरलेस है, इसका बेल्डिंग पॉइंट 172 है, ये सिमेट्री होने की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होने की वजह से, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इसका बेल्डिंग पॉइंट ज्यादा है, किसकी तुलना में, अर्थ और पैरा से। इट शोज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, बेटा ये दूसरे को रिड्यूस कर देता है, हाइड्रोजन देके खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए इसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी होती है, ये फैलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देगा और ये फोटोग्राफिक डेवलपर में भी काम आएगा। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक था कैचकॉल, कैटेकॉल और रिसोर्सनॉल और हाइड्रोक्विनोन, तीनों के बारे में बताना। बच्चों एक बार आप जो है वीडियो को वो इसको ध्यान से पूरा नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख लीजिए ध्यान से, जिसमें पूरा आपका जो है, देखो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये आप जो है अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो पूरी प्रॉपर्टी मिल जाएंगी, ठीक है बेटा। कमेंट्स करिएगा, कमेंट्स करना मत भूलना, थैंक यू वेरी मच।